हेलो एवरीवन, निधि किचन रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत में बनने वाले बहुत ही टेस्टी चटपटे नाश्ते की रेसिपी। इसे हम केवल आलू से बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कच्चे आलू लिए हैं, आप बड़े साइज के भी ले सकते हैं, मैंने छोटे साइज के लिए हैं। इन्हें हमें सबसे पहले छील लेना है। सभी को हमने पील आउट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करना है, जिससे कि इसमें एक बेस बने और हम बीच से इसे और कट करेंगे तो ये दो भाग में हो जाएंगे। इसलिए आप चाहें तो थोड़ी बड़े वाले आलू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे बराबर कर देना है, जिससे कि जब हम इसका फिलिंग करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ना जाए, एकदम स्टिक रहेंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे हमने कट कर लिए हैं। ये आलू बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाएंगे, इनका हम इस्तेमाल बीज की स्टफिंग भरने के लिए करेंगे। तो ये देखिए बीज से हमने कट करके इन्हें छोटा छोटा हमने, जैसे हम फुल्की वगैरह भरते हैं ना, बिल्कुल उसके लिए हमने बना दिया है। एक टोकरी टाइप का हम बनाएंगे, बिल्कुल छोटे से इस तरह से छिलनी होती है ना, आप चाकू या स्पून भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसका बीज का निकाल देना है और जितना भी ये आलू निकलेगा ना, ये सबको हमें फ्राई करके और इसे मैश करके हम इसकी स्टफिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से होल कर दें, बहुत ज़्यादा ना करें कि आर पार हो जाए, थोड़ा ही करें, नहीं तो फिर हम इसमें जो चटनी वगैरह डालेंगे ना वो आर पार हो जाएगी और फिर अच्छी नहीं लगेगी, खाते भी नहीं बनेगा। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा होल करें सिर्फ स्टफिंग भरने के लिए। तो सभी में हमने होल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और ऑयल वगैरह कम खाते हैं तो आप इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए बेक कर लें, बहुत ही क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। एयर फ्राई भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये सुनहरे लाल ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर करें जिससे कि कच्चे ना रह जाए। तो ये देखिए इनमें बहुत ही सुंदर कलर आ गया है, ये हमारे आलू बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कुक भी हो चुके हैं। तो जब तक ये कुक ना हो जाए तब तक इन्हें हमें फ्राई करना है। अब इन्हें अब हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो सभी आलूओं को हमें अच्छी तरह से निकाल देना है। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने आलू फ्राई कर सकते हैं और इस चटपटे से नाश्ते को बना सकते हैं। अब जो बचे हुए पोर्शन थे ना आलू के कटिंग वाले, उनको भी हमने फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा सेंधा नमक, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं ना। आप यहाँ पर अगर नॉर्मल टेस्ट पे बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक डाल दें। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, व्रत में लाल मिर्च नहीं डाली जाती इसलिए मैंने नहीं डाली है, हरी मिर्च डाल देंगे चॉप करके। आप यहाँ पर पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से स्पून से दबा कर इसे हमें मैसी सा कर लेना है। तो व्रत में बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैंने बहुत कम ही डाले हैं। अगर आप इसे नॉर्मल डेज पे बना रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, धनिया जीरा पाउडर डाल सकते हैं और भी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्टफिंग अच्छी तरह से हमारी तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर इसके पोर्शन में हमें भर देना है। सबसे पहले हम आलू में भी थोड़ा सा जो हमारा नमक है वो स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि बिल्कुल भी फीके ना लगे, क्योंकि हमने इनमें आलू में कोई नमक वगैरह तो डाला नहीं है। और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे। इसके बाद ये स्टफिंग है ना, जो इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा करके रखना है, क्योंकि आलू में हमारे बहुत ही छोटी छोटी सी जगह है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि इन्हें आप छोटा छोटा ही इस तरह से कट करें। क्या होगा, बड़े आलू को अगर आप स्कूप से निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग जाएगी, फिर जो एक क्रंचनेस होती है और जो एक बाइट वाला टेस्ट होता है ना वो नहीं आ पाता है, वो तो फिर भरमा जैसे हो जाते हैं वैसा हो जाएगा। इसलिए आप छोटे छोटे बाइट रखें। सभी में हमने स्टफिंग अच्छी तरह से लगा दी है। अब इसके ऊपर आप चटनियाँ लगाएं, दही लगाएं, जो भी आपको असेंबल करना हो वो कर दें। तो मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ, दही में हमने थोड़ी सी शक्कर ऐड कर ली है और इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल लेकिन इतना टेस्टी कि पेट भर भी आप खाएंगे ना तो भी आपका बार बार मन करेगा कि मैं इसे और खा लूं। और व्रत में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, जल्दी से बन भी जाती हैं और देखने में खाने में दोनों में लाजवाब। अब यहाँ पर मैंने टमाटर की मीठी वाली चटनी ली है,
इसे भी हम अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप यहाँ पर हरी चटनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने केवल यहाँ पर लाल चटनी और दही का इस्तेमाल किया है। और अब इसके ऊपर जो फलाहारी चूड़ा होता है ना, क्योंकि ये व्रत वाला है तो हम इसमें बेसन सेव नहीं लगा सकते, तो व्रत वाला चिवड़ा आप लगा दें। एक सिंघाड़े आटा वाला आता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनारदाने से आप इसे डेकोरेट करके इसे अच्छी तरह से सर्व कर लें, तो झटपट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू का व्रत वाला नाश्ता तैयार है। अनारदाने लगा देंगे। तो किसको किसको यह रेसिपी पसंद आई कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जो ऑल का बटन होता है ना उसे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप वो क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, जल्दी से लाल बटन दबा लें, क्योंकि उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है लेकिन हमको बहुत हौसला मिलता है। तो हमारी ये देखिए चटपटे आलू के बहुत ही टेस्टी चाट बोल दें, कटोरी चाट बोल दें, स्नैक्स बोल दें, बहुत ही लाजवाब तैयार है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक ग्रीन चिली लगा दी है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा व्रत का स्पेशल चटपटा नाश्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।